वीडियो ग्वालियर कलेक्ट्रेट से सामने आया है। खाद की किल्लत के बीच किसान अब नकली खाद की परेशानी से भी जूझ रहे हैं। ग्वालियर में किसान नकली खाद की शिकायत करने कलेक्टर के पास पहुंचा। पुरासनी गांव के किसान साधु सिंह का आरोप है कि उसे भीतरवार के खाद वितरण केंद्र से 1700 रुपए की खाद दी गई, जबकि MRP 1350 रुपए है। किसान का कहना है कि उसे असली खाद बताकर नकली खाद दे दी गई है। आपको बता दें कि इस मामले में कलेक्टर ने भी तुरंत एक्शन लिया है। उन्होंने खाद के सैंपल लिए जाने के निर्देश दिए हैं। जी, अभी भीतरवार से एक किसान महोदय आए थे और उनको ऐसा लग रहा है कि जो खाद उनको मिली है वो ठीक क्वालिटी की नहीं है, तो DDA भी जन सुनवाई में उपलब्ध थे। तो एक बेसिक कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आप तात्कालिक रूप से चेक कर सकते हैं, जैसे कि खाद को यदि आप हाथ में लेकर के ऐसा रब करेंगे तो वो मॉइस्चर पकड़ता है, हाथ का मॉइस्चर पकड़ता है, पिघल जाता है। तो यहाँ तो अभी जो देख रहे थे वो मॉइस्चर ले रहा था, हाथ में गीला दिखने लगा था। और दूसरा एक और टेस्ट होता है कि यदि आप उसमें चूना मिला करके देखते हैं तो उससे बड़ी एक शार्प स्मेल आती है। तो चूना तो अभी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, साथ ही अब उसकी हम सैंपल करवा रहे हैं और सैंपल में यदि फेल पाया जाता है तो जो जिस दुकान से उन्होंने लिया है उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में खाद की किल्लत बनी हुई है। घंटों इंतजार करने के बाद भी किसानों को खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।